लगातार त्रासदी की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से 3 से 4 दिनों में करीब 70 लोगों की मौत हो गई। 1000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। ऐसे समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया जिससे बवाल हो गया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम ने कहा कि आजकल हिमाचल प्रदेश में जो घर गिर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के मानकों से नहीं गुजरे हैं। प्रवासी आर्किटेक्ट, जिन्हें मैं बिहारी आर्किटेक्ट कहता हूँ, वो यहाँ आते हैं और फर्श पर फर्श बनाते हैं। इन्हीं कारणों से हिमाचल में आपदा का कहर बरपा है। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सफाई पेश कर दी। मैंने तो कभी बोला नहीं, हमने तो कल बेचारे बिहार के लोग फंसे हुए थे, मैंने तो हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करवाए उनको बेचारे, अभी उनके और भी फंसे 200 लोगों को करवाया, वो हमारे भाई है। बीजेपी ने सीएम के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया और इस मामले पर राजनीति ना करने की बात की। किसी राज्य के लोगों के बारे में टिप्पणी करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, अब केजरीवाल जी को भी पड़ गई है, अब किसी और मुख्यमंत्री को पड़ गई।